ओके सो गाइस, ये है फर्स्ट लुक इस टेंपल की, रॉक का टेंपल की। एज यू कैन सी, आई एम मेड टू बी फ्री। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सअप, कैसे हैं सभी। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम अभी घर आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ आपको मैं अपने लोकल एरिया में जो कुछ प्लेसेस हैं वो दिखाते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम है मशरूर टेंपल जाने का, और मेरे साथ है मेरी गैंग। से हाय। सो ठीक है, अभी निकलते हैं घर से। यहाँ से अराउंड 20 या 25 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र है, उसके बाद मशहूर टेंपल आएगा। उस टेंपल की स्टोरी आपको मैं टेंपल में जाके बताऊंगा कि एक्चुअली में इस टेंपल की स्टोरी क्या है। सो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. So guys, finally अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है एंड अभी लंच में हम पहुंच गए हैं। तो वैसे अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके पास रास्ता है, लंच जो है वो सेंटर पॉइंट है काइंड ऑफ, यहाँ से काफ़ी रास्ते आने के लिए। सो यहाँ से देखते हैं कितना दूर है। ये है लंच की छोटी सी मार्केट। सो गाइस, मशरूर यहाँ से है 7 किलोमीटर है। और बेसिकली जो मशरूर टेंपल जो है उसको रॉक का टेंपल बोलते हैं। तो यार इसका नाम जो रॉक का टेम्पल इसलिए पड़ा है बिकॉज़ ये जो मंदिर है वो बहुत टाइम पहले का मंदिर है और चट्टानों को काट के मंदिर बनाया गया है। तो अभी यार थोड़ा रास्ते की कन्फ्यूज़न हो रही है बिकॉज़ लंच से जब हम नीचे उतरे थे तो वहाँ पे दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे। सो लेट्स सी, यहाँ पे पूछते हैं किसी को। पूछना आंटी को, पूछना आंटी, मशरूर वाला रास्ता यही है? मशरूर यही है ना? तो ठीक है, अभी हमने कंफर्म कर लिया आंटी से, तो आंटी ने कहा कि यही रास्ता है, इसी रास्ते से हम मशरूर जाएंगे। सो चलो गाइस। आई एम मेड टू बी फ्री। वैसे तो यार इस रास्ते पे मैं आया हूँ पहले भी, मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम आते थे इस साइड, क्योंकि डैम है नीचे एक जो पोंग डैम है वो स्टार्ट होता है नगरोटा सूरिया से, तो वहाँ हम लोग आते थे कई बार। एक तो एक जवान हमारा ढेर हो गया है। दूसरा भी तैयारी पे है, कभी भी ढेर हो सकता है। बिना खाए ढेर हो रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। Let's see. So guys, यहाँ से मशहूर टेम्पल की दूरी है 3 किलोमीटर, और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा, नीचे तो नगरोटा सूरिया पहुँच जाएंगे हम। सो इस रास्ते पे मैं पहले कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस रास्ते पे। सो गाइज, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और जैसे चढ़ाई देख के लग रहा है जैसा रास्ता है, क्योंकि जब अगर मंदिर रॉक पे बना है तो ऑब्वियसली चढ़ाई तो होगी ही। सो देखो बोर्ड आ गया सामने, मशरूर वाइफ गेस्ट, यही मेन लोकेशन है, और पार्किंग भी शायद यहीं पे गाड़ी की होगी। यस, वी रीच्ड। ओके सो गाइज, ये है फर्स्ट लुक इस टेंपल की, रॉक का टेंपल की।
एज यू कैन सी बहुत ही सुंदर लग रहा है, एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कैसा है। चलो अगर आप आते तो यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क होती है, यहाँ पे पार्किंग आपको मिल जाएगी इजिली। एक्चुअली ये जो मंदिर है वो मेरे घर से बहुत ही पास पड़ता है, बट कभी यहाँ आने का टाइम नहीं लगा। सो आज लकीली मौका मिला है, ठीक है। तो वैसे ये जो मंदिर बना है वैसे यहाँ नीचे गांव वगैरह काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है और ईज़िली एसेसेबल है, मतलब आप बहुत ईजिली आ सकते हो। कोई ट्रैक नहीं है, जहाँ गाड़ी पहुँचती है गाड़ी के साथ ही मतलब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है बस, और साथ में मंदिर है। सो लेट्स गो। I am made to be free. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. You're awesome, yeah. तो गाइज आप आइडिया लगा सकते हो कितना पुराना है ये मंदिर, और ये पांडवों के टाइम का बना हुआ है। सो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी है इंडिया की उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. तो अभी भूख लग गई है तो मैगी खाते हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनल ढाबा दो मिनट वाली मैगी कितनी बना रहे हो? तीन। ओके, गूगल पे नहीं आपके पास? गूगल पे से हो जाएगी पेमेंट? कैश ही है? ठीक है, तो अंकल बना रहे हैं मैगी हमारे लिए। बहुत भूख लगी है यार, काफ़ी टाइम से हम लोग ऊपर ही बैठे हुए थे और लंच भी नहीं करा है, तो फिर भूख लगना तो जायज़ है। अच्छा, पांडव पांडव टाइम था बोलते हैं ना?
ਬਸ ਦੇ ਪਾਲਮਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਲੋਕਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਗੀ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਸ, ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਸਭ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅੰਕਲ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਖੋਲਤੇ ਹੈ, ਮੈਗੀ ਚਾਏ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸਾਥ ਮੇਂ ਅੰਕਲ ਕਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਛੋਟਾ ਸਾ, ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਚਾਏ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮੇ ਭੂਖ ਲਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕਿਤਨੀ ਭੂਖ ਲਗੀ ਹੈ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਕੋ? ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਖ ਲਗੀ ਹੈ, ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਗੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਘਰ ਕੋ। I am made to be free. So guys, ये था हमारा छोटा सा ट्रिप रॉक कट टेम्पल। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मंदिर बहुत सही है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही पुराने टाइम का बना हुआ है और पूरी चट्टाने काट के बनाया गया है। एंड मतलब कहने को ऐसे ही बोलते हैं कि ये पांडवों ने इस मंदिर को एक रात में ही बना दिया था इन चट्टानों काट के। बाकी आप भी यहाँ पे आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए। एंड आपको अगर मुझे होपफुली आपको ये मंदिर बहुत पसंद आएगा। सो ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।